हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी दोस्तों, है ना। सो गाइज, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। एंड आज जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ चीज़ों के ऊपर, वो आपके ये है कि बच्चों की कैसे आप जो है वो SSC CHSL की इंग्लिश को पार पा सकते हैं ना। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है, बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स है कि सर हमें क्रैक करना है और पहली बार में SSC की इंग्लिश को क्रैक करना है, ना केवल इंग्लिश को, हमें सारे सब्जेक्ट ही क्रैक करने हैं ना। लेकिन बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स में कंफर्टेबल फील कर लेते हैं, रीजनिंग में कंफर्टेबल फील कर लेते हैं, और GK की भी मेहनत से तैयारी करके वो जो है उस पर भी ठीक कमांड कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी में वो परेशान रहते हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। सो दोस्तों, ये जो सेशन है यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ही बात करने आया हूँ आप लोगों से कि आपको करना क्या, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखो कि सबसे पहले अगर आप सच में इंग्लिश को सीखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अंग्रेजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश में आता क्या है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनको तीन पार्ट्स में अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। एक्चुअली जो है इंग्लिश जो पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला ग्रामर होती है, दूसरी आपके वोकैबुलरी होती है, और तीसरी आपके आपकी अंग्रेजी को पढ़ करके समझने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, आपके रीडिंग स्किल्स बोल देते हैं ना, ठीक है। चलो जी, मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे, जिसे हम क्या बोल देते हैं, आपके रीडिंग स्किल्स, ठीक है। तो ये तीन भाषा के तीन एस्पेक्ट हैं, पार्ट है। पहला ग्रामर हो गया, दूसरा वोकैब हो गया, ठीक है। यहां पर वोकैब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और तीसरा आपके रीडिंग स्किल्स हो गया ना। इन तीनों पे बच्चों आपको सेपरेटली काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों आपके ग्रामर की, है ना, तो ग्रामर के सर्टेन टॉपिक्स हैं, आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। आप सीधे रूल्स रट्टाफिकेशन मत करना, पहले आप बेसिक्स सीखना, ठीक है। जो बच्चा है पहले उसके बेसिक्स क्लियर होंगे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तभी जो है वो आपके टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझ पाएगा। क्योंकि आपको बेसिकली सीधे किसी रूल के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो जमाना चला गया जब सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रूल सिखा दिया और उसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आ गया ना। अब आजकल ग्रामर के एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, राइट। और एप्लीकेशन को सीखने के लिए आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा, आपको कोई बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है वो सीखनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जांपल, आप उसके लिए कोई बेसिक इंग्लिश ग्रामर की किताब भी ले सकते हैं, फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर की किताब के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन कॉन्सेप्ट को हम कैसे रिलेट करते हैं क्वेश्चन के साथ में, उसको आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बेसिक किताब आप पढ़ सकते हैं ना। जैसे कि अगर आपको मैं एक किताब सजेस्ट करूं तो आप रेनन मार्टिन पढ़ सकते हैं। ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, हिंदी और इंग्लिश में मेरा मतलब है बायलिंगुअल आती है। तो आप रेनन मार्टिन जैसी कोई बेसिक किताब पढ़े, अपने बेसिक्स को थोड़ा स्ट्रांग करें ना। आप बेसिक्स को स्ट्रांग करेंगे तो ग्रामर को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे ग्रामर के कॉन्सेप्ट को, है ना। रूल्स रट्टाफिकेशन बच्चों मत करना, बड़ी समस्या हो जाएगी आप लोगों को, है ना। तो मेरा पहला, ये जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये इस वीडियो का जो टारगेट है वो ये है कि आप लोगों को सही डायरेक्शन में तैयारी करनी है, सही दिशा में तैयारी करनी है। अगर आप लक्ष्य से भटके, गलत डायरेक्शन और गलत चीज़ों का पढ़ना आपका भविष्य खराब कर सकता है, और आपके समय कब आपके 3 महीने 4 महीने खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, है ना। तो आपको तीन पार्ट्स पे काम करना है, ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे और रीडिंग स्किल्स पे। ग्रामर पे बेसिक्स पे फोकस करके फिर आप उसके बाद में जो है जो क्वेश्चंस एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उन कॉन्सेप्ट को कवर करोगे, तो आपको है ना, मतलब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो है वो बेसिक्स के साथ में करोगे ग्रामर की, तो आप अच्छा स्कोर करोगे। रूल्स वगैरह मत रटना, फायदा नहीं मिलेगा ना, भूल जाओगे रूल्स, भूल जाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। वोकैबुलरी बच्चों देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, वन वर्ड और idioms, ठीक है, वन वर्ड और idioms, ठीक है। प्रीवियस ईयर के रिपीट होके आते हैं, और प्रीवियस ईयर के वन वर्ड और idiom की मैंने फाइल दे रखी है, ठीक है। मैंने फाइल कहाँ पे दे रखी है, मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे दे रखी है ना। अच्छा, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप क्या है, आपको टेलीग्राम पे जाके लिखना है, या तो टेलीग्राम पे जाके लिख लेना या गूगल पे लिख लेना। आपको लिखना है इंग्लिशर्स, ENGLISHERS। यहाँ पे आपको वन वर्ड की और idiom की फाइल मिल जाएगी प्रीवियस ईयर की, है ना। इनको आप तैयार करना शुरू करो, है ना। क्योंकि बच्चों वोकैबुलरी आपके दो टाइप की है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। मतलब एक तो लिमिटेड वोकैबुलरी है, मतलब वन वर्ड और idioms, वो लिमिटेड वन वर्ड और idioms आप तैयार करके तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है।
और दूसरी जो है वो जो नॉन फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट है वो आपके सिनोनिम और एंटोनिम्स है, ठीक है। इसके लिए बच्चों ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने मान लो कितने ही सिनोनिम एंटोनिम रट लिए हो लेकिन उन सिनोनिम एंटोनिम्स में से क्वेश्चन आएगा ये जरूरी नहीं है। तो आपको बेसिकली फोकस कहाँ करना है, आपको किसी ऐसी वोकैबुलरी के सोर्स के ऊपर फोकस करना है जो बेसिकली आपको डेली कुछ ना कुछ वर्ड सिखाती हो और इसके अलावा आपको वो रिवाइज भी कराती हो ना, ठीक है। इसके लिए बच्चों आप क्या करो कि मॉर्निंग में मेरे शो को फॉलो करो, 8:40 AM पे ये शो आता है, ठीक है। अभी बच्चों CPO का पेपर हुआ है और मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि जो बच्चे 5 महीने से शो को देख रहे थे, 5 मंथ से, ये SSC CPO का जो पेपर हुआ है, इस पेपर की सिनोनिम एंटोनिम्स की जो वोकैबुलरी है आपके 90% वोकैबुलरी जो है वो सुबह के 8:40 के वोकैब शो में से आई है। तो आप इस शो को डेली देखो अगले 4 महीने तक, मैं आपको बोल रहा हूँ आप 100% वर्ड्स जो है इसी के अंदर से पाओगे ना। दूसरी बात, मैंने शो इतना ब्यूटीफुल बना रखा है अगर आप देखना इसमें, कि उसमें मैं आपको वोकैबुलरी सिखाता हूँ जो कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आती है, अच्छी वोकैबुलरी सिखाते हैं, उनको ट्रिक से आपको याद करवाते हैं और फिर सप्ताह के एंड में आपको उसका रिवीजन भी करवाते हैं ना। तो रिवाइज करने से लेके आपको याद कराने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है। सुबह 8:40 का शो देखो, आपका जबरदस्त इंप्रूवमेंट आएगा। CHSL में सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सिनोनिम एंटोनिम को रटना मत, केवल वर्ड के मीनिंग को सीखना। SSC केवल ये चेक करती है कि आपको शब्द का मीनिंग आता है या नहीं आता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पता है तो आप उसको आसानी से सिनोनिम और एंटोनिम ढूंढ सकते हो। ये अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन को देखो, आपको अगर उसका मीनिंग, जिस वर्ड का मीनिंग आपको पता है उसका सिनोनिम भी आप ढूंढ लोगे और एंटोनिम भी ढूंढ लोगे। जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता उसका सिनोनिम एंटोनिम आप नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो आपको वर्ड, अपनी वोकैब को स्ट्रांग बनाना, अपनी वर्ड पावर को स्ट्रांग बनाना है, सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन अपने आप आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो वन वर्ड आपके प्रीवियस ईयर में से आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता दूं आपको कि ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। बच्चों जो ये वन वर्ड और idioms की मैंने फाइल दी है ना, इनके ऊपर बेस्ड मैं रोज आपके टेस्ट लेता हूं, वहां पे पोल जिसे कहते हैं ना। तो टेलीग्राम पे एक पोल का ऑप्शन आता है, उस पोल के ऑप्शन के थ्रू हम बेसिकली आपके सामने रोज वन वर्ड डालते हैं, idioms डालते हैं, और ये जो वोकैबुलरी जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ सुबह वाले शो में, इसके भी पोल्स आपको डालते हैं। तो कहने का मतलब है कि दिन में आप इतनी बार इन वर्ड्स को देख लेते हो, कहने का मतलब आप टॉयलेट जाओगे तो ये वर्ड आपके सामने, क्योंकि फोन आपके साथ हर जगह अवेलेबल होता है ना। आप बस में गए, ट्रेन में गए, कहीं भी घूम रहे हो, बाहर गार्डन में जा रहे हो, जब भी फोन खोलोगे एक पोल आपको मिल जाएगा साहब आपके, है ना। और वो आपको क्या नोटिफिकेशन आ जाता है कि पोल आ गया, तो वो वर्ड आपके इतने रिवाइज होते रहेंगे कि आप आसानी से ना केवल याद करोगे बल्कि रिवाइज भी करके परमानेंटली इन वर्ड्स को अपने दिमाग में स्टोर कर दोगे ना। तो इसके लिए वो कैब के लिए आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम पे इंग्लिश, इसको फॉलो करना भैया ना। और ये ऐसी चिड़िया है तीसरी वाली, जिसका प्री में तो इतना रोल नहीं है, CHSL में इतना रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, सब आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। ये वो चिड़िया है जिसकी जान आपके हाथ में है। दुनिया के जितने अच्छे लोग हैं, मतलब जितने लैंग्वेज में अच्छे स्कोर करने वाले लोग हैं, उन सब लोगों से अगर ये पूछा जाएगा कि क्लोज टेस्ट में या फिर आप जंबल्ड सेंटेंस में अच्छे मार्क्स क्यों लेके आए, तो वो यही बोलेंगे कि मेरी रीडिंग की स्किल्स अच्छी थी साहब आपके, या फिर पैसेज में अच्छा स्कोर कैसे लेके आए, तो वो इसलिए लाके आते हैं क्योंकि वो खूब सारे नॉवल्स पढ़ते होंगे या फिर वो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने रीडिंग अंग्रेजी में बहुत करी हुई होती है। तो जिसने जितना ज़्यादा रीडिंग करी होती है उसको उतना ही ज़्यादा फायदा होता है साहब इसके अंदर, है ना। तो ये वो चिड़िया है जिसकी 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 मुट्ठी जिसकी जान जो है ना वो आपके हाथ में। जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा। अपनी हैबिट बनाओ डेली, आप कम से कम सोने से 1 घंटे पहले कुछ ना कुछ रीड करो, जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर आर्टिकल ही करो। अच्छा मेरी बात सुनो, ये रीडिंग जो है वो किसी के सिखाने से नहीं आती है, ये खुद के रीड करने से आती है। आप जितना ज्यादा रीड करोगे उतना ज्यादा लैंग्वेज के सेंस आपका डेवलप होगा, आपको अपने आप स्ट्रक्चर जो है वो समझ आने लगेंगे कि इसके साथ में ये आता है। बहुत सारे प्रपोजिशन जो हैं वो अपने आप आपको रट जाएंगे, आपको पता चल जाएगा अबाइड के साथ में बाय आता है और इस प्रपोजिशन के साथ में ये आता है। अपने आप आपको क्लैरिटी, एक क्लियर पिक्चर और स्ट्रक्चर्स आपको नजर आने लग जाएंगे भाषा के, है ना। तो रीडिंग आपको बहुत हेल्प करती है। मैं नहीं बोलता न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर को पढ़ने में मुझे ही जोर आता है यार, मेरे को पसंद नहीं आता। तो मुझे नॉवल्स पढ़ना पसंद है, मुझे मैगजीन्स पढ़ना पसंद है, मुझे अब कहानियाँ पसंद है रस्किन बॉन्ड की। और जो बच्चा बहुत कमजोर है लैंग्वेज में, क्योंकि CHSL के बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, अगर वो उनको जो है किसी नॉवल में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में दिक्कत है तो उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो 6 से लेके 10 तक की जो है CBSE की इंग्लिश की किताबें पढ़ें, लेकिन पढ़ें,
कुछ भी रीड करें, है ना, अपने लेवल के हिसाब से सीबीएसई की किताबें पढ़ लें। अगर वो पढ़ते रहेंगे, रीड करते रहेंगे, तो 100% उनकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी, है ना। और इसका जो रिजल्ट है ना बच्चों, एक इसी तरीके से जैसे कि एक मटका होता है, उसमें हम बूंद बूंद पानी डाल रहे हैं ना, बूंद बूंद पानी डालते गए, अगले 4 महीने तक 5 महीने तक डालते गए, तो हमें पता चला कि 5 महीने बाद में वो मटका जो है वो बेसिकली आधा भर चुका है। उस समय एहसास नहीं होता, जब हम रोज थोड़ा थोड़ा रीड करते हैं ना, तो हमें एहसास नहीं होता, हमें लगता है इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा। हमें सबको जल्दबाजी है, हम सब चाहते हैं कि दिन में हम जो अंग्रेजी के बादशाह बन जाए ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वो बूंद बूंद घड़े में, इसमें दिमाग में जब रीडिंग का पानी भरोगे ना तुम, ठीक है, तो उसके रिजल्ट तुम्हें एग्जाम में नजर आएंगे। तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारी स्पीड बढ़ चुकी है, काफी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो रहे हैं, सही स्ट्रक्चर आपको अपने आप नजर आ रहे हैं, सही ऑप्शन आपको क्लोज टेस्ट में अपने आप नजर आ रहा है। इसके अलावा बेसिकली ट्रिक्स और टेक्निक्स जो है वो मैं आप लोगों को सिखाई दूंगा, लेकिन ट्रिक्स और टेक्निक्स जो है वो तब काम आएगी जब आपकी खुद की रीडिंग अच्छी होगी, है ना। कुछ आता ही नहीं है तो भैया रीडिंग ही खराब है, बिल्कुल ही खराब है, तो ट्रिक्स और टेक्निक्स आपकी इतनी हेल्प नहीं कर पाएगी, है ना। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप मेहनत करोगे तो आप जीरो से हीरो बन सकते हो अंग्रेजी भाषा में। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीकेंड पे आपके लिए ग्रामर की क्लासेस लाऊंगा। वो कैब की क्लासेस जो है वो बेसिकली चली रही है 8:40 पे, सिनोनिम एंटोनिम्स और वोकैबुलरी से रिलेटेड क्लासों के लिए। वन वर्ड ईडियम्स आप खुद से तैयार करें, उसकी फाइल मैं आपको दे चुका हूँ। पोल्स के थ्रू मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा, इंग्लिशर्स अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसके ऊपर, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। आई होप अगर आप इसी तरीके से अगले 4 महीने मेहनत करते रहेंगे तो 100% आप अंग्रेजी में बहुत जबरदस्त स्कोर करने वाले हो दोस्तों, है ना। सो इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी प्लस कोर्स की डिटेल आप लोगों को देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा 2019-20 का एसएससी सीएचएसएल का शोर सिलेक्शन का बैच है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को पता है रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश आने वाली है। कौन कौन पढ़ाएगा आपको? मैथ्स साहिल सर, जीके भुवनेश सर, इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग दीपक सर पढ़ाएंगे, है ना। ये बैच आपके स्टार्ट होने वाला है 3 जनवरी से, है ना बच्चों। पहले हम इसको 26 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ बेसिकली बहुत जगह वायलेंस की वजह से इंडिया में जो अभी चल रहा है थोड़ा बहुत, है ना, प्रोटेस्ट वगैरह की वजह से थोड़े से बहुत सारे इंटरनेट नहीं चल रहा, स्पेशली आसाम और बहुत सारे रीजन है जिनमें इंटरनेट डिस्टर्ब है, तो बच्चों की तैयारी प्रभावित नहीं हो, इसलिए हमने इसकी डेट को एक्सटेंड करके 3 जनवरी कर दिया ना। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले लें, 3 जनवरी से इस बैच को हम स्टार्ट करेंगे। और इस बैच को पाने के लिए आपको रेफरल कोड लगाना WIFI SSC, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कैसे लेना है ये कोर्स, आपको बैच कैसे खरीदना है मैं बताता हूँ आपको। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद में से आपको इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, उसके बाद में आपको ये विंडो नजर आएगी कैटेगरी वाली। कैटेगरी चूज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर अलग अलग कोर्सेज होते हैं ना। जैसे हमारा ये कोर्स जो है वो SSC कैटेगरी के अंदर आपको मिलेगा, बैंक की कैटेगरी में नहीं मिलेगा। हर कैटेगरी में अपने अलग अलग कोर्सेज हैं, तो SSC कैटेगरी में मिलेगा, इस वजह से आप SSC कैटेगरी को चूज करें, ठीक है। SSC कैटेगरी जैसे ही चूज किया, ऊपर SSC कैटेगरी आपको नजर आ रहा है, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप क्लिक करो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, ये 12 महीने का आपके सामने 6,000 रुपये का अमाउंट जो है वो बेसिकली आपको नजर आएगा। और आप बेसिकली क्या करोगे, ये जो 6,000 रुपये है ना, 12 महीने का मैं आप लोगों को तो है ना, लेकिन और 6 महीने का 4,800 रुपये का है 6 महीने का ना, लेकिन जो ये 12 महीने का है ये 6,000 रुपये का पड़ रहा है आपको, यानी केवल 1,200 रुपये इसमें ऐड कर दे तो आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है ना। दूसरी बात, CHSL के प्री के बाद में, पहले टीयर के बाद में डिस्क्रिप्टिव होगा, उसकी क्लासेस भी आप देख सकते हो। तो जब कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो उसका पूरा फायदा उठाओ ना, एग्जाम के अंत तक तैयारी करो। 5-6 महीने लगेंगे पूरे प्रोसेस में, तो प्री भी निकालो फिर मेंस की तैयारी भी करो जब सस्ते में हो रही है तो। अरे भाई मंथली महंगा है और ईयरली इतना सस्ता मिल रहा है, तो तैयारी करो। उसके बाद आने वाले स्टेनोग्राफर हो गया, ग्रुप डी हो गया, GD हो गया, उनकी तैयारी भी कर सकते हो। आप नहीं कर सकते तो आपके भाई बहन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये साल भर का सब्सक्रिप्शन आपको परेशान नहीं करने वाला, आपके भाई बहन भी इसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं ना, ठीक है। सो रेफरल कोड आपको पता है कि आपको WIFI SSC लगाना है। अच्छा, इस रेफरल कोड का फायदा क्या होगा देखो ना, ये 6,000 का अमाउंट था, अब ये 6,000 रुपये जैसे आपने रेफरल कोड लगाया WIFI SSC, ये अमाउंट देखो कितने में कन्वर्ट हो गया, 10% डिस्काउंट मिल गया ना, और ये अमाउंट आपके 5,400 रुपये में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये फायदा है, साल भर का सब्सक्रिप्शन केवल 5,400 रुपये में मिल रहा है आपको, 1 ईयर का केवल 5,400 रुपये में। इधर देखेंगे आपके पेमेंट मेथड, देखेंगे पेमेंट मेथड जो है आप किसी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, UPI जो मेथड है उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों ना, ये आपके अलग अलग पेमेंट के मेथड है दोस्तों, ठीक है। सो गाइस बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके किसके, अनअकैडमी प्लस कोर्स के, ये ध्यान रखना आप लोग। तो बच्चों जल्दी ही इस बैच को ज्वाइन, फायदा मिलने वाला है इस बैच का अनअकैडमी प्लस पे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ में। आज मेरी क्लास दोस्तों आने वाली है SSC CHSL के लिए स्पेशल टेंस फंडामेंटल की, उसको भी देखना ना भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।